जागो जागो सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ फूड सीड। मैं हूं आपका अपना मुनीश, यानी कि आपका अपना मन। वैसे सुबह सुबह चाय और फैन के कॉम्बिनेशन का मजा ही कुछ और है। चंडीगढ़ दे नजारे आने पट्टिया, चंडीगढ़ दे नजारे आने पट्टिया। मेरे ऑफिस के बाहर जगदीश जी की चाय से मेरे दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आगे देखिए होता है क्या। फूड ऑप्शन की तलाश में मैं पहुंच चुका हूं चंडीगढ़ के मशहूर बेकरी निक बेकर्स के फैक्ट्री आउटलेट के बाहर। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है खास आज हमारे लिए यहां पर। जैसा था निखिल मित्तल जो कि निक बेकर्स के मालिक है, और इनके हाथों का जादू चखने दूर दूर से लोग आते हैं। हाय निखिल, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज। थैंक्स फॉर कमिंग। निखिल, सबसे पहले ये बताइए कि आपका ये शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत एक्चुअली बचपन से ही मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था बेकरी लाइन में। तो आफ्टर माय ईयर 12 मेरे डैड मुझे कहते हैं कि व्हाई डोंट यू डू अ कोर्स इन बेकरी। तो मैंने अपना फिर सबसे पहले FCI इंस्टीट्यूट सेक्टर 42 से मैंने अपना 1 ईयर चंडीगढ़ से अपना बेकरी का कोर्स किया। तो वहाँ से फिर आई डिड माय 6 मंथ्स इंडस्ट्री प्लेसमेंट हायट रीजेंसी न्यू दिल्ली में, जो कि 5-स्टार होटल है। और फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया बेकरी में ही आगे स्पेशलाइजेशन और आगे कोर्स करने के लिए। तो उसके बाद ईयर 2006 में मैं इंडिया वापस आ गया, और यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है बेकरी लाइन में। अच्छा, तो फिर मेरे और मेरे डैड ने वी डिसाइडेड कि यहाँ पे निक बेकर्स खोलते हैं। एंड ईयर 2006 अगस्त में हमने अपना फर्स्ट आउटलेट खोला निक बेकर्स। 4 साल ही हुआ, 4 साल में इतनी तरक्की कर ली आपने। कितने आउटलेट्स हैं आपके इस समय? वी हैव 3 आउटलेट्स राइट नाउ एंड वी हैव 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड टोटल स्टाफ अबाउट 250 पीपल आर वर्किंग। 250 दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा निक बेकर्स सिर्फ 4 साल हुए और 4 साल में इतनी ज्यादा तरक्की। सर अप्रिशिएट, थैंक यू। काफी एक्सपेंसिव है निक बेकर्स, ऐसा क्यों? मैं एक्सपेंसिव नहीं बोलूँगा, बट येस जो दूसरी बेकरीज में जो सामान बिकता है और जो हमारे जो हम सामान बेचते हैं उसमें डेफिनेटली प्राइस डिफरेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव। आप मेरी फैक्ट्री में करें, आपके सामने ही है, इतना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। एग्जैक्टली, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी यूज़ करते हैं हम लोग, और दुनिया भर से हमारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आप ये आलमंड कुकीज़ खा के देखिए, जिसके अंदर जितना मैदा है उससे ज्यादा इसमें बादाम है। अच्छा, तो दिस इज वेयर द कॉस्ट कम्स। एंड आल्सो आई विल शो यू सम इंग्रेडिएंट्स वी यूज। सी, जैसे हम अपने जिलाटो ही बनाते हैं, तो जिलाटो बनाने के लिए हम लोग ये इटली से फ्लेवर मंगाते हैं। तो ये फ्लेवर की कॉस्ट इज अबाउट 2,500 रुपीज अ केजी। तो 2,500 रुपए किलो ये फ्लेवर की कॉस्ट है जिसकी आगे जिलाटो आइसक्रीम बनती है। अब ऐसे ही हमारा ये एक इंग्रेडिएंट है, इसको बोलते हैं नीरो पैन। तो इंडिया में 99.9% bakeries, I think they're using color in their bread products. Okay. पर हम लोग नहीं यूज करते, हम ये नीरो पान यूज करते हैं अपने ब्रेड प्रोडक्ट्स में, वो आई अपीलिंग और वो कलर देने के लिए। तो दिस ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, ऑल दीज इंग्रीडियंट्स, दे कम फ्रॉम यूरोप, US, अमेरिका, काफी दुनिया भर से आते हैं। बेकरी के साथ साथ लोगों की सेहत का जरूर ध्यान रखना। हाँ जी, बहुत जरूरी है। वो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आपने बोला 300 चीजें यहाँ बनाते हैं, तो बेसिकली बीफली पूछा जाए तो क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर, या निक बेकर्स में क्या क्या मिलता है और कौन कौन सी चीजें आपकी USPs है? और USB is, as I said, के हम 300 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हर रोज फ्रेश बनाते हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम कुकीज टू केक्स टू वेडिंग केक्स, चॉकलेट्स, यू नेम इट एंड वी मेक एवरीथिंग। वेल सेड सर, यू नेम इट एंड निखिल जी, बिल्कुल जी, कुछ भी खाना हो, कुछ भी बनाना हो, कुछ भी सीखना हो, तो निक बेकर्स आइए, दे विल मेक इट। तो आज आप क्या सिखाने वाले हैं मेरे को? आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्लैक फॉरेस्ट केक को कैसे असेंबल करते हैं और कैसे हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनता है। तो ये आपको सिखाते हैं, मतलब केक। हाँ जी, और सिखाना, चलिए सीखते हैं आपसे। तो निखिल जी, अब हमें सिखाने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बनता है। तो निखिल जी, सबसे पहले बताइए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसे बनाने के लिए? ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको चॉकलेट स्पंज चाहिए। अच्छा, जो कि आप किसी भी बेकरी से या मे बी निक बेकर से आप खरीद सकते हैं। मिल सकता है इजीली।
और फिर आपको शुगर सिरप चाहिए या चाशनी, चाशनी घर पे बनाते हैं, घर पे इसको बना सकते हैं आप, पानी और शुगर की सेम क्वांटिटी इसको मिक्स करके। उसके बाद आपको व्हिप क्रीम चाहिए जिसके अंदर आप 1 किलो में 100 ग्राम चीनी डाल के उसको फेंट के आप कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें रेड चेरीज चाहिए, इसमें 2 तरह की रेड चेरीज हैं, प्लस हम ये चॉकलेट फ्लेक्स यूज करते हैं। बेसिकली आप चॉकलेट लेके उसको नाइफ से स्क्रेप करेंगे तो इस टाइप का फ्लेक्स निकल आएगा। ये कहीं से भी मार्केट से, ये कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ये चॉकलेट भी हम लोग बेल्जियम चॉकलेट ही यूज करते हैं। ओके, बिकॉज उसमें टेस्ट में काफी फर्क होता है। तो दिस इज वेयर द निक बेकर्स टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बेकरीज। तो आपको बनाना दिखाएंगे कैसे बनाना। सबसे पहले हमने जो चॉकलेट स्पंज है उसको हमने 3 लेयर्स में काट लिए, 3 इक्वल लेयर्स में। तो सबसे पहले हम लेयर डालेंगे, अब इसके बाद इसको हम शुगर सिर्फ डालेंगे, इसमें चाशनी डालेंगे आप जरूर, not too much because ये सबसे नीचे वाला बेस है तो ज़्यादा। तो ये क्यों लगा रहे हैं हम लोग? ये basically केक को moist करता है। अच्छा अच्छा। और taste बढ़ाता है केक का। Okay। अब इसमें हम इसमें क्रीम डालेंगे। अब इसमें हम ये चेरीज डालेंगे। Basically इन चेरीज को मैंने piping bag में डाल दिया so that it's easy to use। तो इसको हम केक पे spread कर लेंगे। अब इसमें एक सेकंड लेयर आएगी केक की, अब दोबारा से इसमें शुगर सिरप डालेंगे। एंड दोबारा से थर्ड लेयर, राइट, फाइनल लेयर। ओके, इसको ध्यान रखें कि इसको साइड से ना दबाएं। ओके, क्योंकि जब आप इसको काटेंगे तो इसकी वो जो लेयर्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए और अच्छी लगनी चाहिए। अब दोबारा से चाशनी डालेंगे इसमें। अब हम इसके क्रीम लगाना शुरू करेंगे पूरे केक पे। अच्छा, साइड तो इजीली घर पे भी तैयार किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत आसान है। इस केक की आप पुडिंग भी बना सकते हैं, ये सेम स्टेप आप किसी बोल में भी कर सकते हैं। ओके, कोई ग्लास बोल लेके उसमें बना सकते हैं ये सेम चीज। मैं इस केक को फ्रिज में रखने जाऊंगा, ठीक है, और 1 घंटे बाद इसको निकालेंगे और इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब इस केक को मैंने फ्रिज में रख के सेट कर लिया, तो नाउ दिस केक इज रेडी टू डेकोरेट। इवन इवन खाने लायक भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी खा सकते हैं पर वो मजा तभी आएगा जब पूरा डेकोरेशन हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे केक को हम ये चॉकलेट फ्लेक्स जो हमने निकाले थे उससे कवर करेंगे पूरे केक को। तो निखिल जी, क्या ये तैयार हो चुका है पूरा? ये केक बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। मैं खा सकता हूँ इसे? बिल्कुल बिल्कुल, आप खा सकते हैं इसको। और आप इसको टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा है। सर मैं इसे टेस्ट यहाँ नहीं करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने बनाना तो आपसे यहाँ पर सीखा जरूर है, मैं चलता हूँ आपके आउटलेट में, वहाँ मैं खाऊंगा और साथ ही साथ लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा कि उन्हें निक बेकर्स कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं निक बेकर्स सेक्टर 35 में। चलिए तो दोस्तों, मैं खड़ा हूं इस समय सेक्टर 35 के निक बेकर्स के बाहर। तो आप लोग किसकी वेट करिए, चलिए चलते हैं अंदर केक खाने और लोगों का रिस्पॉन्स जाने। चलिए चलिए आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीजें मिलती है निक बेकर्स में। सबसे पहले इस सेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही तरह की कुकीज रखी है, बिस्किट रखे हैं, जैसे कि आटा कुकी रखी है यहाँ पर, वैन रखी है, इवन इटालियन बिस्किट रखा है यहाँ पर। और नीचे देखा जाए, नीचे अलग अलग तरह के ड्राई केक्स रखे हैं, चॉकलेट केक रखा हुआ है यहाँ पर, वनीला केक रखा है, लेमन केक रखा है। और केक के बाद बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, यहाँ पर काफ़ी तरह की ब्रेड है, बहुत ही तरह की ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड मिल जाएगी यहाँ पर आपको, व्हीट ब्रेड मिल जाएगी। और साथ ही अगर नीचे बात करें तो जिन लोगों को घर पर पिज्जाज बना रहे हैं तो पिज्ज़ा बेस भी उनके लिए रखे गए हैं। पिज्ज़ा बेस के बाद यहाँ पर बंस है, इवन केक्स है यहाँ पर। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए निक बेकर्स ने शुरू किए हैं सैंडविचेस, यहाँ पर नॉनवेज से लेकर वेज सैंडविच बहुत अच्छे मिलते हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं, हेल्दी भी हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। आइए 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 आइए, उसके आगे आपको डेफिनेटली देखिए बहुत ही तरह के पिज्ज़ाज हैं, नॉन वेज पिज्ज़ा, चिकन सलामी स्लाइस पिज्ज़ा, डेफिनेटली पिज्ज़ा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बना हुआ, इसको मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। और ये मेरा फेवरेट सेक्शन, ऑलमोस्ट फेवरेट सेक्शन, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के चॉकलेट्स रखे हुए हैं, जैसे कि आलमंड चॉकलेट है यहाँ पर,
मिल्क टफल है, तो डेफिनेटली मैं इनमें से कुछ चॉकलेट्स जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन आगे चलते हैं, आगे वाले सेक्शन में आपको बताएं कि बहुत है खास, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए निक बेकर्स में मिलेगा प्रोटीन शेक, वे प्रोटीन हो या कोई और प्रोटीन हो, तो प्रोटीन शेक पिए पीजिए और अपनी सेहत बनाइए। डेफिनेटली यहाँ पर प्रोटीन शेक भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और उसके आगे इनका है आइसक्रीम सेक्शन, जो लोग आइसक्रीम लवर्स हैं उनके लिए भरपूर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर बहुत ही तरह बहुत ही वैरायटी की आइसक्रीम है, चाहे चॉकलेट तो फ्लेवर या फिर स्ट्रॉबेरी, हर एक फ्लेवर यहाँ पर जरूर मिलेगा। चलिए अब लोगों से पूछें क्या है उन्हें जो निक बेकर्स खींच के लाता है। हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय, आई एम स्नेहा। अच्छा, आप बेसिकली निक बेकर्स क्यों आते हैं? मतलब because of the food, as in everything here is like really tasty, plus the ambience, so it's like cherry on the cake. The food is good, the ambience is good. What's your name? Hello, this is Aditi Prabhakar. What do you do? I'm a MBA student. Acha. I'm pursuing my MBA third semester. Kahan se? I'm from Dehradun. Oh, Dehradun se aap aaye Nick Baker's se? Yeah, especially. I've just reached now and directly to Nick Baker's. देखिए इनका कितना जा रहे हैं, बस दे रहे हैं, उनसे सीधे आते ही निक बेकर्स पे टूट पड़ी है। और ये नहीं, निक बेकर्स पे सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? My favorite thing is chocolate cake. I'm die hard fan of chocolate cake. निक बेकर्स का मुझे बहुत पसंद है and I'm very grateful to the break which are available over there. Coffee and the sandwiches are really good. तो ये था मैडम का रिस्पॉन्स। लेकिन मेरे ठीक सामने एक खुराफाती ग्रुप बैठा है जो काफी देर से कुछ शर्तें लगा रहे हैं, तो चलिए उनसे पूछते कि आखिरकार किस तरह की शर्तें ये लगा रहे हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? व्हाट डू यू डू? कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? शर्तें भी खूब लगाते हैं आप? हाँ, शर्तें लगा रहे थे अभी। किस तरह की शर्तें लगा रहे थे? शर्तें यही थी कि हम सब में से, हम चारों में से जो भी जल्दी बेस्टी खाएगा वही से बड़ी करवा रहे हैं, डिनर करवा रहे हैं। अरे, शर्तें लगाना तो बहुत गलत बात है। चलिए, क्या मैं आप लोगों को एक गेम खिलाऊंगा? तो गेम के रूल्स ऐसे हैं कि आप एक पेशी खाने वाले थे, तो अगर मैं आपको तीन पेशीज खिलाऊँ वो भी एक गेम में चलेगा? और गेम के रूल समझाता हूँ, आप चारों को तीन तीन पेसेस हम देंगे, राइट? आप चारों से जो सबसे पहले तीन पेसेस खाएगा उनको निक बेकर्स की तरफ से गिफ्ट टैंपर मिलेगा। तो तैयार हैं आप पेसेस खाने के लिए? तैयार हैं चारों? तैयार हैं? चलिए आ जाइए सब एक ही लाइन में। कितनी पेसीज है? सरदार, तीन। खा पाओगे? जरूर सरदार। कितनी देर में? देखते हैं। हाँ जी, देखिए तो खुरा था शेर, ये बताओ पेसीज खाने के लिए तैयार हो गया? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल तैयार हो? आप तैयार हो? आप तैयार हो क्या? जरूर तैयार हो। हाँ जी। तो क्या आप जीत पाओगे? हाँ, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, आप जीत पाओगे? मित्रा का ना चल रहा है, मित्रा का ना चल रहा है, ना चल रहा है, ना तुम जी। चलो जी, शुरू कर दिया। 1 2 3 शुरू किया जा रहा है। अरे यार, कैसा लग रहा है? बढ़िया। थोड़ी स्लो खा रहे हैं, थोड़ी फास्ट खाइए यार, जीतना भी है। असली कॉम्पिटिशन पलवान जी, तुसी ऑलमोस्ट जीत चुके हो, तो ये लास्ट पेसी बची आपकी, तो कैसा लग रहा है आपको? मैंने बोला था मैं जीतूंगा। और सर, आपका नाम एक बार फिर से पूछना चाहूंगा? मयंक।